आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित अपने सभी कवि मित्रों को, कवि अग्रजों को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ मेरे स्वागत में दोबारा जोरदार तालियां बजाएं। तालियां इसलिए बजवा रहा हूँ क्योंकि बाद में भरोसा नहीं है। एक दो छोटी छोटी कविताएं मैं भी आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगे ठीक है, नहीं तो तीन चार और सुनाऊंगा। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं, शुरू से ही इतने अच्छे सुन रहे हैं, मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ पत्रिका परिवार को इतने सुंदर आयोजन के लिए। हर जगह कवियों को इतने अच्छे ढंग से नहीं सुना जाता भाई साहब, कहीं कहीं तो हमें ऐसे उखाड़ने वाले लोग मिलते हैं, कभी अपनी कविता की एक लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। दिल्ली में मेरे पड़ोस में एक कवि सम्मेलन चल रहा था, एक नए नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी, बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला, कभी श्रोताओं में से एक खड़ा हुआ बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। ये तालियां बजाने वाली बात नहीं थी क्योंकि तो यह कविता मैंने नहीं सुनाई थी, किसी और ये कभी मैं सुनाई थी वो पर भी नहीं है। पर इस तरह की दिक्कतें अक्सर हमारे साथ आती रहती है। हमारे गीतकार एक जगह गीत पढ़ रहे थे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कभी एक खड़ा होगा बोले भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे, सारी चीजें बेच दो। अभी तो मैं पिछले दिनों जेल में गया, बधाई किस बात की, वहाँ कभी सम्मेलन था, जेलर महोदय ने कभी सम्मेलन करवाया और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सजा में थोड़ी बहुत कमी रह गई। भले इसलिए ने सबको कविताएं सुनवाई। अच्छा, नीचे सारे कैदी बैठे हुए थे लाइन लगाए, एक कवि आए वीर दस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, बोला भैया कुत्ते की पूछ ना जबकि तो मैं पकड़ा।